शेषा, शेषा कहाँ हो तुम? क्या हुआ शिवानिया, एक नागिन इतनी डरी हुई क्यों है? नागिन की भी मोहब्बत होती है, रिश्ते होते हैं। शेषा, तुम वो तांडव नहीं करोगी। क्या ये तुम कह रही हो शिवानिया? शिवानिया, तुम भूल गए कि गुरुदेव ने क्या कहा था कि नागमणि को स्वयं प्रकाशित करने के लिए एक नागिन को तांडव करना होगा। तो फिर तुम क्यों रोक रही हो मुझे? क्योंकि आज तुम्हें नहीं रोका तो वो लोग तुम्हारी सांसें रोक देंगे। तुम सब कुछ हो मेरे लिए, तुमसे बढ़कर और कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारी बहन हूँ और ये एक बहन का आदेश है, तुम तांडव नहीं करोगी। नागमणि हमारा कर्ज है, हमारा फर्ज है, हमें उस नागमणि को पाना है, शिवजी को चढ़ाना है। तुम पर ऐसे हजारों नागमणि कुर्बान शेषा, वो लोग जानते हैं कि नागमणि स्वयं प्रकाशित होगी। अच्छा, तो शैतान भगवान तक पहुंच गए पाप करने के लिए। हाँ, गुरुमा और ऋतिक मंदिर जा रहे हैं, जिस समय तुम तांडव करोगी वो तुम्हें मार देंगे और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हजारों गुरुमा आ जाए, हजारों तीर चल जाए, लेकिन तांडव तुम्हें जरूर करूंगी। 75 साल बाद ये रात आई है जब नागमणि स्वयं प्रकाशित होगी। हमें वो नागमणि वापस लानी है, शिव मंदिर में चढ़ानी है। अगर मैं ये तांडव नहीं करूंगी तो कौन करेगा? मैं वो तांडव मैं करूंगी। क्या शिवानिया, अगर तुम ये तांडव करोगी तो तुम्हारी जान को खतरा है। मैंने तुमसे कहा था ना शिवानिया कि अंकुश रहेजा उस पांचवे कातिल के साथ वो नागमणि लेने जाएगा, और उससे पहले हम दोनों में से कोई एक उनका रास्ता रोकेगा और वो नागमणि वापस लाएगा और उस पांचवे कातिल का चेहरा देखेगा। मैं वहां नहीं जा सकती। अगर उन्हें नागमणि तक पहुंचने से रोकने के लिए मैं गई तो वो जान जाएंगे कि नागिन मैं हूं। तो क्या करें? नागमणि तक पहुंचने से उन्हें तुम रोकोगी, शिव मंदिर में तांडव मैं करूंगी। जब वो मुझ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे तो ये जानेंगे ही नहीं कि उनसे जो इंतकाम लेना चाहती है वो नागिन इधर है। जय भोलेनाथ। शेषा, एक वादा करो, चाहे कितने भी आसमान तोड़ दो तुम उन कातिलों पर, ऋतिक पर एक आज भी नहीं आनी चाहिए, वो बचा रहना चाहिए। वादा करो मुझसे। वादा। शीशा, आज हमारा सबसे बड़ा इम्तिहान है, आज हमें उस नागमणि को वापस लाना है और ये पता लगाना है कि वो पांचवा कातिल आखिर है कौन। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। ओम कालिकाय नमः। ओम कालिकाय नमः। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? मौत एक पल की दूरी से निकल गई। जय मां काली। गुरुमा एक इंच भी और आगे जाते तो पेड़ सीधा गाड़ी पे गिरता। वाह गई, रास्ता रोकने आ गई वो नागिन, यही कहीं है आसपास, सतर्क रहना। हर कहर बरसाऊंगी, मंदिर तुम्हें नहीं जाने दूंगी। देख ले, नागिन का ये रूप ही देख ले। हेलो, ये मेरी खराब हो गई गाड़ी, पंक्चर हो गया टायर, मैं खुद बदल नहीं सकती मेरे टायर। वो क्या है, आज ही करवाया है ना मैनिक्योर, खराब हो जाएंगे। देखो मैं बेचारी एक कवारी इस सुनसान सड़क पे
कितनी भयानक जगह है ना ये, और कैसे भयंकर भयंकर लोग है, ऊपर से उठे हुए, नीचे से झुके हुए। लगता है ना डर, आओ ना मेरे साथ। जा मदद कर इस अजीब प्राणी की, मैं गाड़ी में जाकर बैठ रही हूं। आओ। करता हूं मदद। तुम जल्दी आओ। अगर तुम वो देखो, वो जो टीले के ऊपर मंदिर, हमें वहां पे जाना है, लेकिन अभी नहीं, हम वहां भी नहीं जाएंगे। गुरु माँ वहां पे पहले से ही है, वो पहले उस नागिन का अंत करेंगे और उसके बाद वो नागमणि स्वयं प्रकाशित होगी और उसका प्रकाश हमें खुद ब खुद वहां पे लेकर जाएगा। चलो। सादर अलौकिक नागमणि, ये साधारण इंसान के लिए नहीं है, ये मेरी काम आएगी, मेरी सिद्धि और बढ़ाएगी। ये कैसा चमत्कार, ये कैसा नजारा। शिवन्या, शिवन्या, शिवन्या रत्ती यहाँ पहुंच गया है, उसके सामने मत आना। अगर तुम उसके सामने आ गई तो भेद खुल जाएगा कि तुम एक नागिन हो। बस वो भी सामने है और तुम भी सामने, उसकी नजरों से बच के रहना शिवन्या। पर तुम तो उसे रोकने वाली थी ना। हाँ शिवन्या, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर नहीं रोक सकी मैं उसे शिवन्या। गुरुदेव, दुश्मन नागमणि तक पहुंच चुके होंगे, वो नागमणि उनके हाथ नहीं आनी चाहिए, वो लोग उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, उसकी शक्तियों से विनाश करेंगे। आप लोग जाइए, नागमणि की रक्षा कीजिए, जाइए। हाँ शिवन्या। यहाँ तो कोई भी नहीं, तो वो नगाड़ों की आवाज कहां से आ रही थी। ये पैरों के निशान कैसे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। देख के ऐसा लगता है जैसे कोई अभी खून के पैरों से यहाँ आया है। कोई तो है यहाँ।
देव। तुम जाओ, जाओ नागमणि को लेकर आओ। अगर मैंने आपको छोड़ दिया तो ये लोग आपको मार देंगे। तुम मेरी चिंता मत करो, जाओ जाओ नागमणि लाओ, वो उनके हाथ में बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। जाओ मैं आपको किसी सुरक्षित जगह छोड़ती हूँ, आइए मेरे साथ। नहीं गुरुदेव, चले गए, चलो अब। अब ये नागमणि सिर्फ और सिर्फ हमारी है। आओ अरे रोज, अरे चल के बस हो जाएगा।